Hi स्टूडेंट्स so वेलकम बैक to our सुपर क्विक revision. दिस इज going to बी अगेन योर चैप्टर नंबर टू only, एंड trying to डू इट क्वेश्चन wise. हम लोग इन लेक्चर्स के अंदर वी ट्राई टू गिव यू द रैंकिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी ट्राई टू टेल यू ऑल की व्हाट शुड भी रिमेंबर्ड इन सच क्वेश्चन दट वॉट पॉइंट्स वार इम्पॉर्टेंट ताकि टूअर्ड्स द एंड जब आपके एग्जाम्स पास हो यू कैन सिम्पली सी दीज लेक्चर्स एंड यू ऑल कैन प्रोसीड फॉर एग्जामिनेशनस Uh, इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर हैं सो दैट फो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल विच गोज़ बाय द नेम ऑफ सी ए फल अंडर स्कोर एज नेक्स्ट वहाँ पर आपको सारे के सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे हर एक थियरी चैप्टर का आप लोग को चार्ट्स वगैरह भी वहाँ पर मिल जाता है प्लस एनी अपडेट्स ऑफ सी ए फल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इज़ ऑलवेज पुट ओवर पुटेट सो लेट्स स्टार्ट हम लोगों ने इन लेक्चर्स के अंदर वी ऑल हैव ट्राइड टू बी डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच एम ट्राइंग टू रिवाइज नाउ फर्स्ट ओके इट इज़ सुपर क्विक रिविजन ओके तो ये अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री था उट करंटली वी आर ऑपरेटिंग एट फोर थाउजेंड यूनिट एंड वी ऑल आ थिंक अपने को एक दो हजार यूनिट का ऑफर आया है जिसके बाद वी विल बी मूविंग फ्रॉम फोर थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड अपने को सोचना था एक्सेप्ट करें या नहीं करें ऐसे सारे क्वेश्चन के अंदर दे आर टू वेज ईदर फाइंड आउट द प्रोफिट करंटली एंड देन फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट वंस यू एक्सेप्ट दी ऑफर और आप लोग डिफरेंशियल अनलिसिस बना कर लो कि एक्स्ट्रा कितना कमाओगे एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा तो इस क्वेश्चन के तरह हम लोगों ने कुछ ऐसे किया था मैं जो 2000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचूंगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 28, सो so 28 एट इंटू टू थाउजेंड दिस विल बी द एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको कैसे मिला हम लोग करंटली 4000 यूनिट पे हैं, हमारा एवरेज कॉस्ट 34 था द आर कम टू वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स पर अपना एवरेज कॉस्ट फेल डाउन टू थर्टी वन ये थर्टी फोर एंड थर्टी वन आर गिवन ओनली टू कंफ्यूज यू ऑल यू कन्वर्टेड इन टू टोटल कॉस्ट बेटा जब भी और यूनिट्स बनाओगे और खर्चा तो होगा तो ये मत सोचना खर्चा बच रहा है ओके एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही सो दिस फिगर वॉज वन लाख थर्टी सिक्स दिस फिगर वॉज वन लाख एटी सिक्स तो सब ट्रैक किया तो पता चला एक्स्ट्रा कॉस्ट इज फिफ्टी थाउजेंड तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू फिफ्टी सिक्स एक्स्ट्रा कॉस्ट वॉज फिफ्टी तो हम लोगों ने छह हजार रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया तो फाइनेंशियली दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंसड्रेशन ही लिखा हुआ था तो देखते हैं मैंने यहाँ पे तो समरी के अंदर क्या लिखा है इसके लिए वेन एवर द इज एन ऑफर थिंक ऑफ द करंट सिचुएशन एंड देन थिंक वन ऑफ द टू वेज फर्स्ट फाइन ऑफ द प्रॉफिट एट द करंट लेवल एंड देन वॉट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेड मतलब प्रॉफिट नाउ एंड प्रॉफिट आफ्टर समटाइम मतलब वंस यू एक्सेप्ट दी ऑफर फाइन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कर लेना देट विल भी अनफ Currently, we are operating at 4000. Average cost is 34. This average cost is useless. Convert it to total cost. So, 4000 into 34. We got an offer of 2000 at the rate of 28. If we accept the offer, एवरेज कॉस् बिकम्स थर्टी वन पर यूनिट ओके इग्नोर दैट ऑल्सो कन्वर्ट दैट टू टोल कॉस्ट फाइंड आउट एक्स्ट्रा टोल कॉस्ट एंड कंपेयर विद एक्स्ट्रा रेवन्यू और इनके ने छह हजार रुपए का प्रॉफिट था तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था ठीक है लेट्स गो फर्दर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आए थे अभी दिस क्वेश्चन वॉज ऑल अबाउट शटडाउन पॉइंट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है दैट मार्केट्स अ बैड ओके माइट बी द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ कोविड ऑल्सो नाउ समाइम्स यू माइट बी फोर्स टू शट डाउन इन केस ऑफ से कोविड टाइप सिचुएशन दैट इज वन थिंग और इन दिस केस द मार्क इट्स अ बैट सो देेंट्री ट्राई टू ब थिंक थोड़ी देर के लिए बंद कर दे दें अभी थोड़ी देर अगर सिर्फ थोड़ी देर ही है से वन और टू मंथ्स दट टाइम इट विल नॉट इम्पैक्ट यू एक्सटर्नली यू कैन ऑलवेज बी सिंग लाइक यू नो फैक्ट्रीज अंडनोवेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है ताकि जो रेनोवेशन वगैरह है कंप्लीट हो सके ब्ला, 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 ब्ला. लेकिन इफ सपोज यू और टेम्पररी शटिंग डाउन इज गी से फॉर सिक्स मंथ्स और गोडो बी से वन ईयर ओके तो फिर आप लोग को एक हार्डकोर डिसीजन लेना पड़ता है कि यार कंटिन्यू करूं और लॉसेस बेयर करूं क्योंकि मार्केट्स बुरी हैं या फिर चलो शट डाउन कर दूँ लेकिन अगर आप शट डाउन भी करोगे आपके कुछ ना कुछ खर्चे शायद एक्स्ट्रा हो जाए या फिर शायद वो चलते रहेंगे एग्जांपल के तौर पे वर्कर्स लोगों को शायद थोड़ा सा पे करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का मेनटेन्स फिर भी वो करवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत शायद रेंट भी देना पड़ेगा अगर प्रमाइसिस जो हैं वो रेंटेड हैं सो ऑल दीज विल हैव टू बी टेकन इंटू अकाउंट ओके तो अगर कंटिन्यू करोगे तो भी लॉस होगा शट डाउन करोगे तो भी लॉस होगा जिधर भी लॉस कम होगा दैट भी बेटर या आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ऐसे इवेलुएट कर लो या फिर टेम्प्ररी शट डाउन पॉइंट निकालो हम लोगों ने टेम्प्ररी शट डाउन पॉइंट पूरा का पूरा डिस्कस किया था पूरा का पूरा वो लॉजिक अप्लाई किया था देन वी कन्वर्ट दैट लॉजिक इंटू अ फॉर्मूला और वो फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो टेंरी शटडाउन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स के अंदर चाहिए तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो अगर आपको रुपीज सॉरी अगर आपको यूनिट्स के अंदर चाहिए तो ये वाला जो था वो रुपीज के अंदर था अगर आपको वो यूनिट्स के अंदर चाहिए तो इल बी एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइडेड पर यूनिट ये दोनों चीजें आप लोगों ने लिखी थी ठीक है नाउ फाइनेंशियली वट शुड बी डन तो फाइनेंशियली वट शुड बी डन तो अगर आपका सेल्स एग्जैक्टली टेम्पररी शटडाउन पॉइंट जितना ही होने वाला है एट दैट टाइम यू आर इन अगर उससे ज्यादा होने वाला है इट इज बेटर टू कंटिन्यू अगर उससे कम होने वाला है इट इज बेटर टू टेम्पररी शट डाउन दीज आर दिंगस्ड नहीं मैंने तब एक चीज भी बोला था यार ना शटिंग डाउन इज नेवर एवर अ गुड ऑप्शन तुम्हारा बिजनेस बुरा है ना वो सिर्फ तुम ही लोग को मालूम है दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटने का कि मेरा बिजनेस की वाट लगी हुई ये वो जो बचे कुछ कस्टमर्स है दो तो फेस ओके अगर शट डाउन करके लॉस कम भी होता है अगर कंटिन्यू करके लॉस ज्यादा भी होता है मेनी टाइम्स इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कंटिन्यू ओनली ओके ताकि मार्केट्स के अंदर तुम्हारे जो कस्टमर्स वगैरह हैं वो बचे रहें सो इन सच क्वेश्चन दे माइट आस्क यू व्हाट आर द अदर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ओके वेल हैपन टू आर वर्कर्स अगर आप लोग शट डाउन कर दोगे वर्कर्स लोग के साथ आप क्या करोगे क्या आप उन लोगों को फिर भी पे करते रहोगे ओके okay, तुमको वो चीजें सोचनी पड़ेंगी क्योंकि अगर फिर भी पे करते रहोगे दैट विल बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर यू कॉम्पनसेशन दैट है वर्कर्स अगर सपोज तुम लोग एक साल के लिए बंद करो यू माई ट्राई टू बी थिंकिंग अभी मैं सारे वर्कर्स लोग को निकाल ही डालूंगा शायद कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ वो देना पड़े इफेक्ट ऑन प्लांट प्लांट एंड मशीनरी एक साल के लिए छः महीने के लिए फैक्ट्री बंद रखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी शायद खराब ना हो जाए ओके तो उन लोग जो प्लांट एंड मेन प्लांट एंड मशीनरी है उसके मेंटेनेंस के लिए अपने को लोग वगैरह वो रखने पड़ेंगे वरना प्लांट एंड मशीनरी अगर रस्ट हो गया जब छः महीने के बाद फिर से स्टार्ट करोगे तो उसका रीस्टार्टिंग का कॉस्ट बहुत शायद वो ज़्यादा आए अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर्स का रिलेशंस सपोज वर्कर्स सॉरी इफ सपोज यूर कस्टमर्स तुम लोग उनको पांच छह महीने के लिए सर्व नहीं करोगे कस्टमर लोग को तुमसे गुड्स चाहिए लेकिन तुम लोग बंद हो गए कॉम्पिटिटर्स आफ्टर सिक्स मंथर कम बैक टू योर कस्टमर गॉन इज गॉन फॉर एवर ओनली सो दे बी केयरफुल उसके बाद सप्लायर्स रिलेशन डूर में सप्लायर के साथ योर रिलेशनशिप इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल इन रियल लाइफ इफ यूर मैनुफैक्चरिंग कंपनी यूर बाइंग द रॉ मटीरियल्स फ्रॉम देम यूर गॉट गुड टर्म्स फ्रॉम देम अभी सडनली इफ यू स्टॉप टू परचेज नो फ्रॉ देम then in that case they will offer, they will will also try to search स alternate clients. और अगर वो अल्टरनेट क्लाइंट उन लोग जम गए in future they might not offer you the same kind of terms also. तो ये एक चीज अपने को सोचना चाहिए उसके बाद इफेक्ट ऑन गुड विल ऑब्वियसली इफ विल शट डाउन देर माइट बी न्यूज इन द मार्केट एंड कॉम्पिटिटर लॉड ऑफ एडवांटेज ऑफ दैट कि यार ये वाली कंपनी तो बंद हो गई है okay? कोई कस्टमर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाता है कि कंपनी सच्ची के अंदर बंद हुई है या नहीं हुई है लेकिन इफ सपोज योर डोर्स विल बी क्लोज नो देर इज ऑलवेज अ डेंजर इन दिस केस दैट कस्टमर्स विल बी थिंकिंग दैट यू आर शटिंग डाउन फॉर एवर ओनली उसके बाद इन दिस केस इफेक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट शायद तुम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो ओके okay? कोई एक डिविजन के ना जिसको तुम लोग बंद करने के बारे में सोच रहे हो अगर वो वाला डिविजन तुम लोग ने बंद कर दिया शायद दैट प्रोडक्ट शायद वो वाला चीज जो आप लोग वो बना रहे हो दैट गोज इनसाइड दी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू ऑल मेक ऑल्सो तो वो बाकी प्रोडक्ट्स का सेल्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू सफर सो दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑल कैन कीपिंग इन माइंड वेन एव यू आर ट्राइंग टू बी थिंकिंग टू शट डाउन और नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली अगर सपोज कोविड टाइप सिचुएशन है देन इन दैट इज द गवर्नमेंट्स रूल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट ओके Uh, आपको ये वाले फैक्टर्स मैंने जितने भी बोले ओके okay, उसके अंदर से आपको मेजोरिटी तो याद रहने चाहिए फॉर एग्जाम्स ओके ये कॉमन सेंस चीजें हैं इनफैक्ट फैक्ट वी डिड दिस पर्टिकुलर थिंग मोस्ट ऑफ थिंग्स यू ऑल ओनली टोल्ड मी इन द क्लास ओनली ठीक है आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो हम लोगों ने किया था ये एग्जाम्स का भी शायद ही क्वेश्चन था या आर टी पी के अंदर भी आया था uh, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ एक कोविड टाइप सिचुएशन हैज कम ओके एंड कंपनी इज थिंकिंग लेट्स शट डाउन फॉर सिक्स मंथ्स कई चीज़ें उन लोगों ने क्वार्टर के लिए दी हुई हैं बट कंपनी इज थिंकिंग दैट लेट्स ट्राई टू शट डाउन फॉर सिक्स मंथ्स तो हर एक चीज जो आप लोग करने वाले हो आप लोग छः महीने के लिए ही करने वाले हो अगर कुछ भी वन क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है इंटू टू कर लेना तो इस केस के ना हमको पार्ट वन के अंदर क्या पूछा गया था कि कंटिन्यू करें कि शटडाउन कर लें तो हम लोगों ने दो काम किया फर्स्ट अगर कंटिन्यू किया तो लॉस कितना होगा अगर शट डाउन किया तो लॉस कितना होगा सो देर फोर इन दैट पर्टिकुलर केस केवल इज लेस दैट ऑप्शन इज बेटर तो हम लोगों ने पार्ट वन के अंदर शायद अपना लॉस जो है शटिंग डाउन के अंदर बहुत कम आया था एज कंपेयर टू कंटिन्यू हम लोगों ने ऐसे कंक्लूजन दिया था फाइनेंशियली इट इज बेटर दैट कंपनी शुड शट डाउन बट देन देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच शुड बी बीसिडर्ड सो अदर फैक्टर्स प्लीज मैंशन स्पेशली यहां पर क्या हो रहा था ना एक तो गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन का जो रेगुलेशन है दैट दैट थिंग थिंग इज वन यू ऑल शुड तुम्हारे माइग्रेंट वर्कर्स से जो गांव जा रहे थे अभी उन लोग के साथ क्या होगा दैट इज वन अगेन पार्ट दैट यू ऑल शुड ट्राई टू बी कंसिडरिंग टू स्टार क्वेश्चन था सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट आप लोग को एक बार देख के जाना चाहिए ओके okay. ये हमारे शटिंग डाउन पॉइंट के ही क्वेश्चन वो चल रहे थे क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव के बाद हम लोगों ने ट्वेंटी सिक्स किया था जहां पे कंपनी ने एक बजट बनाया था 60 परसेंट पर 80 परसेंट पर लेकिन कंपनी की वाट लगी हुई है मार्केट्स रियली बैड कंपनी को लगता है कि 40 परसेंट के ऊपर ही काम कर पाएगा और जिस प्राइस के ऊपर बेचता था ना उस प्राइस के ऊपर भी नहीं बेच पाएगा विल बी एबल टू सेल एट 25 फाइव परसेंट बिलो द सेलिंग प्राइस एट ऑल हेट थॉट तो हम लोग क्या सोच रहे हैं एक ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं फोर्टी परसेंट के ऊपर तो हम लोगों ने एक सारा का सारा नया नंबर्स बना लिया था सारा का सारा जो नया नंबर्स था वो हम लोगों ने यहां पर ड्राफ्ट कर लिया था याद रखना मटीरियल कॉस्ट

हम लोगों ने यहाँ पर लॉस निकाल लिया था दैट वाज 7.17 पॉइंट लैक्स अपना इतना लॉस आया था अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगर शट डाउन करेंगे ना तो कंपनी ने यहाँ पे अपने को चार खर्चे दिए थे वो कुछ 9.3 पॉइंट लैक्स आया था तो अगर शट डाउन करेंगे तो अपना लॉस बड़ा होगा इन फैक्ट इट इज बेटर फॉर यू ऑल टू बी भी ओके अगर यहां पे लॉस कम भी आता से सेवन लाख रुपीज का लॉस आता तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन के बोला वो यहां पर भी ट्रू है दैट इज आप लोग बोल सकते हो फाइनेंशियल इट इज बेटर इट इज बेटर टू शट डाउन बट कंपनी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल फैक्टर्स बिफोर इट फाइनली टेक्स अ डिसीजन ठीक है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी था क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स अगेन वॉज सपोज टू बी इन दिस केस टू स्टार क्वेश्चन ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अभी ये ट्वेंटी सेवन वॉज टू ईजी है क्वेश्चन क्योंकि मैंने ना वहां पे क्वेश्चन के ना टोटल्स भी दे के रखे हुए थे वहां पर क्या हो रहा था ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के अंदर uh, तुम लोग दिसंबर मंथ के एंड में वो खड़ा हुआ है जैन मंथ जो तुम्हारा है उसके लिए तुम्हारे पास काम है और फेब मार्च और अप्रैल के लिए तुम्हारे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है ट्वेंटी वन थाउजेंड इंजेंस का आप लोग सोच रहे हो ट्वेंटी वन थाउजेंड का इंजन फेब के अंदर ही कंप्लीट करता हूं और मार्च और अप्रैल के लिए शटडाउन कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो मे के अंदर आ जाएगा या फिर आराम आराम से काम करो और शटडाउन वगैरह वो मत करो मतलब जैन सॉरी मतलब फेब मार्च और अप्रैल के अंदर सेवन सेवन थाउजेंड यूनिट बना लो ठीक है तो अपने वेरी स्मॉल पीरियड यार उसके अंदर मेरे को इतना कुछ बात नहीं करना है कि ये हो जाएगा रेप्यूटेशन विल बी लॉस ये वो सब कुछ मेरे को वो सब कुछ नहीं बात करना था बिकॉज टू वेरी शॉर्ट पीरियड तो हम लोगों ने जो आंसर लिया ना जो डिसीजन लिया फाइनेंशियली ही लिया हम लोगों ने सोचा कि यार दोनों केसेस के अंदर ट्वेंटी वन थाउजेंड इंजन तो बिक जाएंगे अपना सेल्स तो सेम ही रहेगा तो प्रॉफिट किधर ज्यादा आएगा जिधर अपना कॉस्ट कम होगा तो हम लोगों ने अपना कॉस्ट निकाल लिया था बस ओके आ, अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट पे काम करते रहेंगे तो पर मंथ तुम्हारा कॉस्ट इतना होगा तो इंटू थ्री कर लेना दिस विल गिव यू द टोटल कॉस्ट फॉर द इंटायर ईयर ओके सॉरी फॉर द इंटायर थ्री मंथ्स लेकिन अगर एक ही महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दोगे तो सेवेंटी फाइव परसेंट पर ये वाला तुम्हारा टोटल कॉस्ट था दो महीने के लिए आइडल रहोगे तो ये आइडल कॉस्ट था

सेल्स इज सेम इन दिस प्रॉब्लम अंडर बोथ द केसेस ठीक है आगे हेंस वी गो फॉर दैट ऑप्शन वे टोटल कॉस्ट इज लेस इन दिस क्वेश्चन पीरियड इज ओनली थ्री लेट्स नॉट कमेंट ऑन अदर फैक्टर्स इन फैक्ट पीरियड जो है थ्री मंथ्स है लेकिन अगर शट डाउन होएगा ना तो टू मंथ्स के लिए होएगा ओके सो इन एनी केस इट इज नथिंग मच ऑफ अ बिग पीरियड सो डोंट बॉर्डर मच अबाउट दोज अदर फैक्टर्स ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एथ के अंदर वॉट डन यहां पर ना तुम लोग सोच रहा था ना पांच लाख रुपए का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करेगा जिससे मेरा जो सैलरी है ना हर साल एक लाख रुपए से बढ़ जाएगा तुमको डिसाइड करने का था यार ये पांच लाख रुपए का खर्चा करूं या ना करूं तुम सब लोगों ने बोला था सर करेगा सर करेगा 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 अभी करेगा अगर फाइनेंशियली सोचेगा तो देन ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू बी थिंकिंग कि ये जो फाइव लाख रुपीज़ है ना सर इसके बारे में क्या देन वी ट्राई टू बी सेइंग दिस इज वन टाइम कॉस्ट दिस इज़ वन टाइम कॉस्ट फॉर एवर ऐसी कॉस्ट को तुम लोग इग्नोर भी कर दोगे तो भी वो चलेगा क्योंकि एक बार की कॉस्ट है फॉर एवर ओनली ओके तो ओनली थिंग दैट मैटर टू अस इज दैट वन लाख रुपीज आई एल बी गेटिंग एक्स्ट्रा सैलरी इफ आई एल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड इज वन टाइम पेमेंट सो फोर आई विल डू इट ये वाला फंडा मैंने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के अंदर यूज किया जहां पर ना अपने को यहाँ पर लाइफ वगैरह वो नहीं दिया हुआ था अगर लाइफ नहीं दिया हुआ था वी एज्यूम दैट लाइफ इज परपैचुअल ओके परपेचुअल मतलब इन्फाइनिट ऐसे केसेस के अंदर कैपिटल कॉस्ट के बारे में बात ही नहीं करते हाँ अगर कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट के बारे में बात करो अगर वो वाला पैसा आप सपोज फिक्स डिपॉजिट से निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट लॉस के बारे में बात करो लेकिन कैपिटल कॉस्ट के बारे में नहीं बात करना क्यों क्योंकि लाइफ इज़ मतलब एक बार खर्चा किया इट विल जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी था इसी पॉइंट के ऊपर था इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये टू स्टार क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर वर अ लॉजिस्टिक्स कंपनी लॉजिस्टिक मतलब फिर देयर वॉज अ प्रपोजल जहां पे हम लोग कुछ कैपिटल कॉस्ट का खर्चा करने वाले थे लेकिन उस कैपिटल कॉस्ट का जो लाइफ था ना बेटा वो इनफाइनाइट था ओके okay? अगर वो इनफाइनाइट था अगर वो इनफाइनाइट था देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू ऑल कैन ट्राई टू फॉरगेट इट क्योंकि वो इनफाइनाइट कॉस्ट था ठीक है उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज एक और चीज जो था वो क्या था सुनो यहां पर ना अगर आप वो वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है मतलब यू विल बी एबल टू डिलीवर द गुड्स बेटर ऑन टाइम फ्रॉम 85 परसेंट टू 95 परसेंट और उन लोगों ने क्या बोला था जब ये वाला चीज़ वो बढ़ेगा ना एक परसेंट से तुम्हारा रेवेन्यू अठारह से बढ़ जाएगा तुम्हारा तो दस से बढ़ रहा है तुम्हारा रेवेन्यू बनना कि एट्टी से बढ़ जाएगा लेकिन यार रखना इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ नॉट डायरेक्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट तो हम लोगों ने उसको पी वी के साथ मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया था कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से बढ़ेगा क्योंकि अगर सेल्स बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ता है योर नेट बेनिफिट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन एक और चीज अगर ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे नंबर ऑफ कार्ट लॉस्ट एंड डैमेज थ्री से वन हो जाएंगे कार्टन वो होते हैं जिसके अंदर हमारा गुड्स पैक होता है तो ये वाले जो गुड्स हैं हम लोग शायद खरीदते होंगे अभी अपना 2000 हजार कार्टन कम लूज हो जाएंगे तो अपना जो कार्टन खरीदने का कॉस्ट था फिफ्टी रुपीज बच जाएगा ये जो फिक्स कॉस्ट है बेटा ये तो यूजलेस था क्योंकि ये तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट था ठीक है एक और चीज मेरा ये जो सिस्टम है इट विल बी कॉस्टिंग टू लाख रुपीज ओके और एक एनुअल आउटले है वन लाइक फिफ्टी थाउजेंड का कुछ मेंटेराज है तो हम ने ये वाला कर दिया। लेकिन इसकी लेकिन ये वाला जो पैसा है ये कहा से आएगा एफ से आएगा एफ के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कमाते दस परसेंट का नौ दस परसेंट विल बी लॉस्ट सो योर इंटरेस्ट लॉस विल बी एन एडेड कॉस्ट ऑफर हम लोग एक साल के लिए वैल्यूएट करेंगे अगर एक साल के लिए बेनिफिशियल है तो हमेशा के लिए बेनिफिशियल ही है ठीक है ये था तुम्हारा ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इट इज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी

क्वेश्चन नंबर थर्टी जो तुम्हारा था बेटा वो होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था एंड दैट वाज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर सो दैट दैट वाज वन क्वेश्चन यू आर सपोज टू बी डूइंग ऑफ योरसेल्फ बिल्कुल की तरह था वहां पे एक पार्ट अलग से भी करना था आपको रिवर्स जाके रेवेन्यू भी निकालना था अगर आंसर नहीं आया है तो हमारी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड सेक्शन के अंदर इट इज देयर ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज समथिंग लाइक यू नो जहां पर कैपिटल कॉस्ट था आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्टी वन के अंदर कैपिटल कॉस्ट था था लेकिन ना उसका यहां पे लाइफ लाइफ दिया हुआ ओके इन दिस पर्टिकुलर केस वाज फाइव इयर्स अगर कभी लाइफ दिया होता है फॉर फाइव इयर्स और यहां पे एक और चीज था इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब तो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स इग्नोर कर देना अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स इग्नोर कर दोगे देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर Uh, आप लोग बस पाँच साल के लिए वो देख लो कि तुमको क्या बेनिफिट होगा तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट होगा अगर एंड के अंदर कुछ बच जाता है आर वी आर इंटरेस्टेड एल्स बी ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड तो यहाँ पे अपना तीन शायद या फिर uh, हमारे तीन क्लर्क्स थे एक क्लर्क तो फिर भी रखेंगे तो हमारा दो क्लर्क्स का कुछ सैलरी वगैरह वो बच गया था पाँच साल के लिए निकाल लेना कितना सैलरी वो बच गया था ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिस्टम का हर साल का कॉस्ट थर्टी सिक्स थाउजेंड था और ये सिस्टम का कॉस्ट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था ये वन टाइम कॉस्ट था बट द पीरियड वॉज गिवन एज फाइव ईयर तो मेरे को ये वाला कॉस्ट फिर लेना पड़ता है अगर एंड के अंदर कुछ बच गया था और शायद वो बच गया था तो हम लोगों ने क्या बोला था फाइनेंशियली ये वाला जो सिस्टम uh, है ये इम्प्लीमेंट करो लेकिन उसके बाद ना मैं तुम लोग को एक चीज़ बोला एडवाइस मांगा ना एडवाइस हर एंगल से लेने का तो एडवाइस के लिए मेरे को क्वेश्चन थोड़ा बहुत डीपली वो पढ़ना पड़ता है हम लोग स्कूल के अंदर पहले बच्चे लोगों से कैश लेके उनको खाना पीना वगैरह तो वो देते दे थे इट इज अ कैंटीन आर थिंकिंग विल बी हैविंग अ स्वाइपिंग सिस्टम सो इट विल काइंड ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम राइट ओके तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जब ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करो क्या क्या दिमाग के अंदर आ सकता है एक तो जो वर्कर्स सॉरी जो स्टूडेंट uh, लोग हैं शायद ये एक प्रीपेड सिस्टम होगा जो उनके आई कार्ड के थ्रू चलता है उन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा है तो अगर उनका आई कार्ड स्मार्ट आई कार्ड नहीं है विल हैव टू इश्यू देम स्मार्ट आई कार्ड तो उसका खर्चा कौन बेयर करेगा सेकेंड अगर कभी ये वाला जो मशीनरी है वो खराब हो गया तो क्या हाउ विल स्टूडेंट्स एडजस्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग अगर एक स्टूडेंट किसी दिन अपना आई कार्ड नहीं लेके आया तो ुलर थिंग्स विल ऑलवेज बी अप्रॉ अगर किसी दिन मशीन खराब हो गया तो मशीन्स का डाउन टाइम वगैरह तो होता है ना मशीन खराब हो गया तो सो दीज आर द फैक्टर्स ओके तो ये फैक्टर्स आपको यहां पर डालने होंगे मैंने वही वाला चीज वो लिखा हुआ है इन दिस प्रॉब्लम manual system we are moving to a automated system. capital cost is there and has life of five years. evaluate for five years and find net profit or loss in that in cost please take capital cost also. Advice is us. Hence, we mention other factors also. It is a school. Okay, it is a school. So students should be adaptable to a prepaid system like this. Mostly, a uh, prepaid system. Hoga. Who will bear the cost of the smart cards? It's a more rigid uh, statement. As all. ज अ मोर रिजिड सिस्टम एज ऑल ऑटोमेटेड सिस्टम आर याद रखना जब ह्यूमन इंटरवेंशन वो आता है ना देर इज अ फ्लेक्सीबिलिटी एक बच्चा नहीं पैसा लेके आया उसका जो उधार वगैरह है वो दिमाग में रख लो यू कैन गिव यम द फोड टू डे कल आके उधार वगैरह वो चुका देगा शायद वो चीजें यहां पर वो नहीं हो पाएंगी वट इफ द स्वाइपिंग मशीन इज गोइंग डाउन तो वो चीजें भी अपने दिमाग के अंदर तो आ जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दैट वाज एक्टली सेम शायद एग्जाम्स के अंदर भी आया था सेम क्वेश्चन नंबर एक्टली बुक के अंदर मेरे ख्याल से बहुत दिनों okay, से है ओके बहुत सालों से है सॉरी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 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 क्वेश्चन क्वेश्चन सेम एज ट्वेल्व जो मैंने मेरे ख्याल से अर्लियर सुपर क्विक रिविजन के ना मैंने रिवाइज किया था बिल्कुल सेम है नंबर बाय नंबर सेम है बस ना इन लोगों ने एक और चीज पूछ लिया था कि अगर आप सपोज मेक या बाई करते हो वट आर द अदर फैक्टर्स एट यूल थिंक इन माइंड ओके यू हैव टू बी थिंकिंग वेदर टू बाई अ सर्टन थिंग और टू मेक अ सर्टन थिंग तो क्या क्या दिमाग के अंदर आ सकता है एक तो क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट यू विल बी परचेजिंग वर्सेज द क्वालिटी जो आप लोग बना पाओगे कई बार आपकी क्वालिटी अच्छी होती है कई बार इन दिस केस जो ये uh, बाहर से खरीदो उसकी क्वालिटी सो थिंक ऑफ दैट सप्लायर लोग रिलायबल हैं कि नहीं विल दे सप्लाई यू द क्वांटिटी एंड विल दे सप्लाई यू ऑन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल अगर आप खुद बनाओगे देन इन दैट केस तुम्हारे पास अच्छे वर्कर्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट एंड मशीनरी भी होना चाहिए फिर उसके बाद रेगुलरिटी ऑफ द डिमांड अगर कोई चीज का डिमांड बहुत ज्यादा नहीं आता है ऐसी चीजों के कॉम्परेंस इट इज बेटर टू बी परचेजिंग होनी यू विल इन्वेस्ट इन द प्लांट एंड मशीनरी और अगर वो ज्यादा यूज नहीं होगा दैट इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी यूज

ओके बाय सम अदर पर्सन जिससे आप लोग खरीदते हो फिर वो वाला कॉम्पोनेंट आप नहीं बना सकते इसलिए आपको पेटेंट्स के बारे में वो सोचना पड़ेगा ओके दैट्स इट वी आर डन विद दिस आई एम अनुज दिस वाज अ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव टोल्ड यू ऑल नोट्स ऑफ दिस विल बी देयर ऑन अ टेलीग्राम चैनल आई विल सी ऑल नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर गाइज बाई